नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप अच्छा है, तो इसके लिए हम आज प्ले स्टोर में हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके जब स्क्रीन रिकॉर्डर लिख के सर्च करते हैं, यहाँ बहुत सारा ऐप आ जाता है। हम लोग कभी कभी इंस्टॉल भी कर लेते हैं, कोई कोई ऐप इंस्टॉल भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब दिखते हैं ऐप ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है या फ़ोन को रूट करना पड़ेगा, रूट करना पड़ता है, तब हम लोग उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको 3 बेस्ट ऐप के बारे में बताऊंगा जो बढ़िया है। आपके फोन को रूट करने के बिना आप ये कर सकते हैं। पहला एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर देख लीजिए। इसका लोगो आप देख लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डर का लोगो, यह है मेरा फर्स्ट चॉइस। सेकंड डी यू स्क्रीन रिकॉर्डर देख लीजिए आप। थर्ड मोबीजेन स्क्रीन रिकॉर्डर, ये देखिए मोबीजेन स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, पहला दो फर्स्ट एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर, सेकंड डी यू रिकॉर्डर। यहाँ एक बात, अगर आपका फ़ोन लॉलीपॉप या उससे ज़्यादा कोई एंड्रॉयड वर्सन हो, मतलब एंड्रॉयड 5 से ज़्यादा हो, तभी आप ये दोनों ऐप यूज कर सकते हैं। पहला दो एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर और डी यू रिकॉर्डर, इससे कम हो तो, मतलब एंड्रॉयड 5 से कम हो तो, तब आपको मोबीजेन यूज करना पड़ेगा। 3 ऐप ही बहुत बढ़िया ऐप है, आप कोई भी एक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताऊंगा। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर को। डाउनलोडिंग कितना जल्दी होगा वो डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर। हम एक एक करके जितना सारा फीचर्स है उसके बारे में ही बताऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ ऑलरेडी एक एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर, देखिए यहाँ 4-5 ऑप्शन आ गया, सेटिंग्स, कैप्चर, रिकॉर्ड, गैलरी, एडिटर। ठीक है, आज हम सेटिंग्स में चलिए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम एक एक करके बताएंगे आपको कौन सा ऑप्शन आपको ऑन करना है, कौन सा नहीं। चलिए एनकोडर, इनकोडर में दो दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक एडवांस्ड और एक डिफ़ॉल्ट। एडवांस में एडवांस का फैसिलिटी ये है, आप यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं और रिज्यूम कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में रिज्यूम और पॉज अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका वीडियो मोर स्टेबल होगा। चलिए इसको एडवांस ही रहने दीजिए, ओके। इसके बाद आते हैं यूज मैजिक बटन। यूज मैजिक बटन में ये देखिए, ये प्रो फीचर है, एक्चुअली ये पेड भाषण है, मतलब आपको खरीदना पड़ेगा। तो हम तो आज फ्री ऐप के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए इसको छोड़ दे। नेक्स्ट आता है स्टॉप ऑप्शंस। स्टॉप ऑप्शंस में 4-5 ऑप्शन दिखा रहा है, पहला स्टॉप बाय नोटिफिकेशन। स्टॉप बाय नोटिफिकेशन, जब वीडियो स्टॉप होगा
आपका वीडियो जब स्टॉप हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, तब एक नोटिफिकेशन दिखाएगा। नेक्स्ट, शो रेड ब्लिंकिंग डॉट, शो रेड ब्लिंकिंग डॉट मतलब जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तब स्क्रीन का दाहिने तरफ नीचे एक रेड लाल कलर का एक बटन ब्लिंक करेगा। इसके द्वारा आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और रिज्यूम भी कर सकते हैं। चलिए इसको ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉप ऑन स्क्रीन ऑफ, मतलब आप स्क्रीन ऑफ करके भी आपका वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। स्क्रीन ऑफ करके मतलब आप लॉक बटन को प्रेस करके आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन को ऑफ करके आप वीडियो भी ख़त्म कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। चलिए इसको ऑफ ही रहने दीजिए। इसके बाद आते हैं स्टॉप ऑन शेक, फोन को वाइब्रेट करके हिला के आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनेबल टाइम लिमिट, जब आप इनेबल टाइम लिमिट ऑन कर दीजिए। यहाँ टाइम लिमिट दिखा रहा है, आप देखिए इनेबल टाइम लिमिट यहाँ 600 सेकंड दिखा रहा है, 600 सेकंड यानी 10 मिनट। 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका वीडियो स्टॉप हो जाएगा, तो इसको मैन्युअली आप चेंज कर दीजिए, 1200 सेकंड कर दिए। टाइम लिमिट 1200 सेकंड हो गया, मतलब 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका वीडियो ख़त्म स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वीडियो कॉन्फ़िगरेशन में पहला रिजोल्यूशन। देखिए यहाँ इसको आप सेट कर सकते हैं 1280x720। तो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन आप यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो का क्वालिटी अच्छा होगा, वीडियो का फाइल भी बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा MB खर्चा होगा लगेगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेम रेट्स पे। ये फ्रेम रेट्स एक्चुअली क्या होता है? फ्रेम रेट्स मतलब एक सेकंड के अंदर जितना सारा फ्रेम्स आता है स्क्रीन में उसको फ्रेम्स पर सेकंड बोलते हैं। जितना ज़्यादा आप फ्रेम पर सेकंड्स यूज करेंगे, मतलब 60 FPS 50 FPS, उतना ही ज़्यादा आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा होगा, लेकिन स्पेस ज़्यादा लगेगा, मतलब MB ज़्यादा होगा। आप 24 FPS यूज किए तो वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा जितना 60 FPS में आप मिलेंगे। चलिए इसके बाद जो यूजुअली हम लोग YouTube के लिए 30 FPS यूज करते हैं, तो आप 30 FPS आइडियल है, आप 30 FPS यूज कर सकते हैं। बिट रेट को ऑटो रखने दीजिए। ओरिएंटेशन ऑटो, ओरिएंटेशन आप ऑटो ही रख लीजिए, क्योंकि आप कभी भी फ़ोन को लैंडस्केप मोड में भी यूज कर सकते हैं, कभी भी पोर्ट्रेट में, तो इसीलिए इसको ऑटो रख दीजिए। टाइम लैप्स मतलब इसके द्वारा आप वीडियो का स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डिसेबल करके रखा हूँ, तो आप इसका स्पीड ज़्यादा, 2 गुन ज़्यादा भी कर सकते हैं, x2 करके, और वन वे हाफ मतलब इसको स्लो भी कर सकते हैं, 1/3 हाफ या 2/3 हाफ स्लो कर सकते हैं आप। चलिए इसके बाद आते हैं ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन में रिकॉर्ड ऑडियो, इसको आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप जो माइक्रोफोन में जो आप बताएंगे वो ऑटोमेटिकली वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं
टेक्स्ट एंड लोगो। देखिए यहाँ शो टेक्स्ट को ऑन कर दीजिए। शो टेक्स्ट को ऑन करने के बाद यहाँ आप आपका खुद का चैनल का नाम लिख दीजिए, यानी मैं मेरा चैनल का नाम लिख रहा हूँ SRB वर्ल्ड, इसको प्लेस कर दीजिए साइड में। कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। मैं चला चेंज कर रहा हूँ, चलिए मैं पिंक कलर कर दीजिए। फ्रंट यहाँ से आप फ्रंट का कोई भी फ्रंट चूज कर लीजिए। बैकग्राउंड कलर को आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट साइज। इस देखिए जो मेरा चैनल का नाम दिखा रहा है SRB वर्ल्ड, टेक्स्ट साइज ज़्यादा कर दिए तो उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। इसको कम करके आप छोटा भी कर सकते हैं साइज। देन आता है लोगो। आपका चैनल का खुद का कोई लोगो है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ दिखा रहा है, अब देखिए एंड्रॉइड का लोगो दिखा रहा है। तो इमेज में क्लिक करके आप खुद का लोगो भी यूज कर सकते हैं आप। ये देखिए मेरा चैनल का लोगो यहाँ आ गया SRB वर्ल्ड। ठीक है, चलिए इसको ऑफ कर देते हैं। इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आता है शो टचेस। शो टचेस को आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके वक्त कहाँ कहाँ टच कर रहा है वो दिखाना ज़रूरी है, इसीलिए आप इसको ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट आता है शो कैमरा। शो कैमरा को आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन करने से आपका फेस कैमरा से मतलब फ़ोन का फ्रंट कैमरा जो है वो यूज कर सकते हैं आप, आपका चेहरा दिखा सकते हैं। रियर कैमरा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऑफ ही रख लीजिए। नेक्स्ट आता है टाइम रिकॉर्डिंग स्लो रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन, मतलब इसको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं टाइमर में। टाइम रिकॉर्डिंग में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब साइड में एक टाइमर दिखाएगा कितना टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट को ऑन कर लीजिए। यहाँ डिफॉल्ट 3 सेकेंड है तो इसको आप 5 या 8 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तब स्टार्ट करने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम रख लीजिए। आप 8 सेकेंड रख सकते हैं, 5 सेकेंड रख सकते हैं, एज यू इस आपका मर्जी। तो वीडियो नेक्स्ट आता है अदर्स वीडियो एडिटर कंट्रोल टाइप। इसको ज़्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं हम। तो नेक्स्ट जो आते हैं हम स्टोरेज सिस्टम आप एक्सटर्नल SSD चूज कर सकते हैं और इंटरनल स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।